गाड़ी में आपको जो है गियर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए नीचे में जो है आपको दो ही पैंडल आपको देखने को मिलता है, सिर्फ आपको ब्रेक और एक्सलेटर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको जो है ये जो क्लच जो रहता है वो आपको नहीं दिया गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम बात करेंगे वेन्यू की। जो SX ऑप्शनल है, जो कि टॉप मॉडल है, ये जो है IMT इंजन के साथ आती है, और आज हम जानेंगे इसी के बारे में कि इसका क्या कुछ आपको माइलेज मिल रहा है, क्या कुछ इसमें आपको फीचर दिया गया है, इंटीरियर एक्सटीरियर सारा कुछ देखेंगे। अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो विनय हुंडई बिहार शरीफ में मैं शूट कर रहा हूँ, जो कि बाईपास पे अवेलेबल है। मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, आप यहाँ से आके कोई भी गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेन्यू की SX ऑप्शनल, जो कि टॉप मॉडल है। तो गाइस सबसे पहले जो है आप गाड़ी का लुक देख लीजिए। ये गाड़ी जो है फुली ब्लैक कलर में है, सामने से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि लाइट जो है थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका इफेक्ट जो है गाड़ी पे पड़ रहा है, तो उतना ज़्यादा ब्लैक लग नहीं रही है गाड़ी। लेकिन फ्रंट मैं सामने से जो गाड़ी को देख रहा हूँ वो काफ़ी मस्त और काफ़ी मस्कुलर सी गाड़ी लग रही है देखने में। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी की सबसे पहले फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट लुक में यहाँ पर आपको पूरा क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बीच में हुंडई का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अगर हम लाइट की बात कर लेते हैं, तो लाइट जो यहाँ पे आपको ऑफर किए गए हैं, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाता है, और नीचे में जो आपको मेन लाइट आपको दिया गया है वो प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाएगा, और लाइट के चारों तरफ जो है आपको यहाँ पर DRL देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है जलने के बाद। और ये गाड़ी जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि पूरा ब्लैक है, तो यहाँ पर जो है पूरी आपको बॉडी पे आपको ब्लैक वेन्यू फिनिश मिल जाएगी, लेकिन नीचे में जो है आपको प्लास्टिक जो दिया गया है वो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्लैक वेन्यू फिनिश नहीं मिलेगा, वो आपको नॉर्मल फिनिश देखने को मिल जाता है, और नीचे में आपको सिल्वर कलर की कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिल जाती है। और गाड़ी की अगर हम बोनेट की बात कर लेते हैं, तो बोनेट भी गाड़ी के हिसाब से जो है आपको काफ़ी अच्छी बोनेट आपको मिलने वाली है। बोनेट पर आपको शॉर्टकट वगैरह दिख जाती है, और ऊपर में जो है आपको वाइपर भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम गाड़ी की थोड़ी सी साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल का लुक जो है कुछ इस तरीके का आपको सबसे पहले तो देखने को मिल जाता है अट्रैक्टिव सी लुक। और इस गाड़ी की अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे तो खूबसूरत सा आपको जो है डायमंड कट एलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाता है। तो डायमंड कट जो एलॉय व्हील का जो आपको डिज़ाइन है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसका डिज़ाइन जो है कैसा लग रहा है। और इसकी अगर हम साइज़ की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको जो है 16 इंच का टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है, डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हुंडई की लोगो आपको देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं हम इस गाड़ी की ORBM की बात कर लेते हैं। तो ORBM पे जो है सबसे पहले तो आपको ऊपर में बॉडी कलर का यानी ब्लैक कलर का आपको फिनिश देखने को मिलेगी, और नीचे में जो है थोड़ी सी आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिल जाती है प्लास्टिक पे, और यहाँ पे जो है टर्न इंडिकेटर का लाइट आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको वेलकम फीचर के साथ ये आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ इसमें आपको ORBM पे देखने को मिलेगा, नीचे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक लाइट भी ऑफर कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो है पूरी ब्लैक कलर की ग्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाती है, और ऊपर अगर हम चलते हैं तो ऊपर सिल्वर फिनिश के साथ ही आपको रूफ रील देखने को मिल जाती है, और नीचे अगर हम आते हैं थोड़ी सी तो यहाँ पे पूरी जो है आपको हैंडल वगैरह पे जो है आपको क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें जो है अगर थोड़ी देर आप गाड़ी को छोड़ देते हैं अनलॉक, अगर आप अंदर नहीं जाते हैं तो गाड़ी जो है अपने आप ये लॉक हो जाती है। तो इसमें जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल रहा है वो आपको 45 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। रिमोट में आपको जो है सबसे पहले लुक जो है कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। ये रहा पूरा फिनिशिंग वगैरह जो है काफ़ी मस्त आपको मिलने वाली है, क्रेटा की जैसे आपको की आपको मिल जाती है। और इसमें चार ऑप्शन देखने को मिलता है, लॉक करने का, अनलॉक करने का, और यहाँ पे बूट ओपनिंग का, और यहाँ पे होल्ड करके अगर आप रखते हैं तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर। और जब तक मैं रियर प्रोफाइल जा रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रही गाड़ी की रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल में। ऊपर में जो है आपको साइड फिट एंटीना आपको देखने को मिल जाता, और यहाँ पे जो है स्पॉइलर वगैरह,
और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप और डिफॉगर और रियर वाइपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी की अगर हम बैक प्रोफाइल की जो मस्कुलर लुक बनाती है वो चीज़ है इसकी टेल लैंप। यहाँ पे देखिए आपको ये छोटी सी आपको टेल लैंप देखने को मिल रही होगी, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा देखने में। और पूरा ये गाड़ी का जो टेल लैंप है वो आपको कनेक्टिंग टेल लैंप आपको देखने को मिल जाता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा इसका लाइट जलता है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है जिस टाइम आपको जलता है। और नीचे में जो है आपको हुंडई की लोगो आपको देखने को मिल जाती है और अलग अलग लेटर में जो है आपको वेन्यू लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसा कि ये SX ऑप्शनल वेरिएंट है तो यहाँ पे SX की वैजिंग आपको देखने को मिल जाती है और नीचे में जो है रिफ्लेक्टर भी आपको देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं उससे नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा और यहाँ पे सिल्वर फिनिश वगैरह आपको देखने को मिल जाती है और रियर कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है और उसके बगल में जो है आपको लाइट भी देखने को मिल जाता है और इधर जो है आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और इसमें जो है आपको टर्बो इंजन मिलता है तो यहाँ पे जो है आपको टर्बो इंजन की भी बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी की बूट की। तो बूट स्पेस जो इसमें आपको ऑफर किए गए हैं 343 लीटर का आपको बूट स्पेस इस गाड़ी में मिल जाता है और लुक जो है कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है बूट का। और बूट में जो है आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगा और इसमें जो है आपको 60-40 का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप कम लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो आप जो है अपना बूट स्पेस जो है बढ़ा सकते हैं। ये दोनों सीट जो है आपको फोल्ड हो जाता है, आराम से इजीली गिर जाता है और फ्लैट हो जाने के बाद जो है आप काफ़ी ज़्यादा इसमें आप सामान ले जा सकते हैं इधर आप। और अगर हम बात कर लेते हैं बूट के नीचे जो आपको मिलता है वो आपको स्पेयर व्हील इसमें आपको देखने को मिल जाता है बूट के नीचे। और अगर इसकी स्पेयर व्हील की साइज़ की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें आपको जो है 15 इंच का आपको स्पेयर व्हील का साइज़ आपको देखने को मिल जाता है और इसमें जो है आपको स्टील व्हील देखने को मिल जाता है स्पेयर व्हील में। और जो आपको लगा हुआ टायर है वो आपको डायमंड का टेलॉय व्हील के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की ओर। और यहाँ पे सबसे पहले इंटीरियर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि IMT इंजन इसमें दिया गया है तो यहाँ पे IMT की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा हैंडल पे और क्रोम फिनिश के साथ ये आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब हम गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर जो आपको मिलता है वो उसका लुक वगैरह कैसा आपको दिया गया। तो लुक वाइज ऐसा आपको देखने को मिल जाता है ड्यूल टोन के साथ और यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है जो कि सॉफ्ट टच के साथ और यहाँ पे पूरा पावर विंडो के कंट्रोल, ORBM के कंट्रोल और यहाँ पे जो है सिल्वर फिनिश के साथ और ट्यूटर। और इधर जो है बात कर ले तो यहाँ पे जो नीचे में आपको वाटर बोटल होल्डर और स्पीकर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की सीट की, ड्राइवर साइड सीट जो आपको मिलता है सीट का जो है लुक ही आपको काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा। इसका जो ड्यूल टोन कलर का जो इस्तेमाल किया गया है कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा। सीट की कलर कम्बिनेशन कैसी है वो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा इसका कलर कम्बिनेशन। और इसकी अगर एडजस्टमेंट की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको पूरा जो है इलेक्ट्रिक कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है सीट में, पूरा सीट को जो है आप इलेक्ट्रिक कंट्रोल आप कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे पीछे ये सीट हो रहा है और इसमें जो क्वालिटी दिया गया है सीट में वो आपको फैब्रिक सीट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसकी इंटीरियर की। तो इंटीरियर का लुक जो है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है पूरा इंटीरियर का लुक। और इधर साइड जो है आपको स्टार्ट स्टॉप का इंजन का बटन आपको देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हेडलाइट के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाता है और पूरा हाई बीम लो बीम करने का। और यहाँ पे AC वेंट्स के पास जो है सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी और ये जो AC वेंट्स आपको देखने को मिलता है वो आपको पूरा आप एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी की स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में जो आपको ऑप्शन मिलता है सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका स्टीयरिंग में जो है आपको क्या ऑप्शन दिया गया है एडजस्टमेंट की। तो यहाँ पे जो है आपको स्टीयरिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिए जाते हैं इसमें। और यहाँ पे जो है हुंडई की लोगो देखने को मिल जाएगी, इधर साइड जो है आपको पूरा क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा और इधर जो है आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल देखने को मिल जाएगी और जो है वॉइस कमेंट वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो है पूरा सिल्वर फिनिश के साथ देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी की स्टीयरिंग की अगर हम लुक की बात कर ले तो यहाँ पे जो है आपको पूरा डी कट स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है और उधर साइड जो है आपको पूरा वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलेगा और इधर जो है आपको हेडलाइट के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाती है। और ऊपर में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे IRBM देखने को मिल जाता है और इस गाड़ी में जो है आपको वॉइस कमांड भी आपको दे दिए गए हैं, 60 प्लस वॉइस कमांड आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। तो चलिए और भी हम अंदर बैठते हैं और आपको चीज़ें दिखाते हैं क्या कुछ इसमें आपको दिया गया है।
और अगर हम इस गाड़ी की इंफोटेनमेंट के सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें नेविगेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है और मैप वगैरह और क्लाइमेट वगैरह कुछ कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है और इसमें ब्लू लिंक का ऑप्शन आपको दे दिया गया है। तो ये जो है आपका जो टच जो ये काम कर रहा है ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और स्मूथ काम कर रहा है और इसका जो स्क्रीन जो दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा लुक वाइज जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो आइए हम चेक कर लेते हैं इस गाड़ी की रियर कैमरा की क्वालिटी आपको क्या कुछ मिलने वाली है, कैसी आपको मिल रही है। तो यहाँ पे जो है एक प्लास्टिक आपको सटा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके वजह से जो है थोड़ी सी इसकी क्लियरिटी आपको कम देखने में लग रही हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये कैमरा जो है कम कैच कर पा रहा है, लेकिन इसकी कैमरा की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें आपको HD टाइप की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं हटाया हूँ इसका प्लास्टिक तो जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका कैमरा क्वालिटी। और इसमें जो है आपको टायर डायरेक्शन का भी ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। और अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो क्लाइमेट कंट्रोल AC जो दिया गया है उसका लुक जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे में जो है आपको वायरलेस चार्जर भी दे दिया गया है, USB पोर्ट वगैरह और 12 वोल्ट का चार्जर और सी टाइप का भी USB पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि IMT इंजन है तो इसमें आपको गाड़ी में आपको जो है गियर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए नीचे में जो है आपको दो ही पैंडल आपको देखने को मिलता है, सिर्फ आपको ब्रेक और एक्सलेटर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको जो है ये जो क्लच जो रहता है वो आपको नहीं दिया गया है। इसमें जो क्लच जो है ऑटोमेटिक इसमें काम करती है, जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो क्लच तो है इस गाड़ी में लेकिन जो है वो ऑटोमेटिक काम करती है। तो ये IMT इंजन का बेनिफिट आपको मिल जाता है, जैसे कि जाम वगैरह में आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। कई बार क्या होता है कि 5-1-2 घंटे जाम लगी हुई रहती है तो उसमें जो है क्लच का जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिससे कि पैर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए इस कंपनी जो है शायद IMT इंजन को लाई है। तो आप ये गाड़ी अगर लेते हैं तो काफ़ी इजीली आपकी ड्राइव हो जाती है। और यहाँ पे जो है ग्लोव बॉक्स के ऊपर में जो है आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी और ग्लोव बॉक्स जो है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, कोल्ड ग्लोव बॉक्स आपको ऑफर किए गए। वेन्यू की गाड़ी में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है आपको फीचर देखने को मिल जाता है, कम पैसे में काफ़ी फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ जो आपको प्लास्टिक का उपयोग किया गया है वो थोड़ी सी आपको दाना दाना टाइप की आपको प्लास्टिक दिख रही होगी, और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है काफ़ी हार्ड आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे जो है आपको जो आर्मरेस्ट दिए गए हैं, आर्मरेस्ट में आपको जो है एयर प्यूरीफायर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए ये जो है धीरे धीरे ऑन हो रहा है और आर्मरेस्ट में भी जो है आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 2 कप होल्डर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रूफ़ की, तो रूफ़ में जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि रूफ़ में आपको जो है लाइट आपको ऑफर कर दिए गए हैं, हेलोजन लाइट आपको मिल जाते हैं और इधर साइड जो है मिरर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड में विंडो मिरर वगैरह कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलता। और इस गाड़ी में जो है सनरूफ आपको मिल जाता है जो कि इसका कंट्रोल यहां से आपको देखने को मिलेगा। और सनरूफ में जो आपको दिया गया है स्पेस वो पूरा इसका ग्लास खुल चुका है और देख सकते हैं कि कितना स्पेस आपको मिलने वाला है इस गाड़ी में। इजली जो है इस गाड़ी से आप जो है बाहर निकल सकते हैं। और इस गाड़ी में जो है आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला है वो आपको जो है 195 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाली है। तो चलिए अब हम चंद अंदर चलते हैं और रियर सीट में आपको क्या कुछ मिला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले डोर में वही सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है, वाटर बॉटल होल्डर, स्पीकर वगैरह, और यहाँ पे जो है लेदर फिनिश पूरा आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वही सब आपको देखने को मिल जाता है, पावर विंडो के कंट्रोल वगैरह। और इधर साइड अगर हम सीट की क्वालिटी वगैरह की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे फैब्रिक सीट आपको मिलने वाली है और यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। आर्मरेस्ट में जो है आपको 2 कप होल्डर भी आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पे जो है 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में जो है पीछे में भी आपको जो है यहाँ पे रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं जिसका कि कंट्रोल आप नीचे से कर सकते हैं। नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 2C टाइप का चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपको हैंडल देखने को मिल जाता है और लाइट भी आपको दे दिए गए हैं पीछे की कैबिन में भी, और यहाँ पे हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये तो थी गाड़ी की इंटीरियर एक्सटीरियर का व्यू, क्या कुछ आपको फीचर मिल रहा था वो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की माइलेज की, तो इसमें जो आपको माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है वो 18 की माइलेज आपको कंपनी क्लेम करती है। और इस गाड़ी की अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो प्राइस इसमें जो आपको मिलने वाली है एक्सोरूम प्राइस वो आपको 12 लाख के आसपास आपको ये पड़ती है ये गाड़ी। और इसकी अगर हम सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस गाड़ी में जो है सेफ्टी फीचर में जो आपको दिया गया है वो आपको, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी में जो है आपको 6 एयरबैग आपको मिलने वाली है और यहाँ पे जो EBD और
ABS वगैरह और भी काफ़ी कुछ इसमें जो है सेफ्टी फीचर आपको मिल जाते हैं। तो सेफ्टी पर्पज़ से भी जो है ये गाड़ी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और इस गाड़ी की अगर हम पावर की बात कर लेते हैं, इंजन की पावर की, तो इसकी इंजन की जो पावर है वो आपको 1000 CC का आपको जो है इसमें इंजन मिलने वाला है। और इसमें जो पावर जो प्रोड्यूस करती है वो 120 PS की आपको पावर प्रोड्यूस करती है। और इसकी टॉर्क की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 172 Nm की आपको टॉर्क इसमें प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लोग वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी जो है आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप अभी कार हेल्पलाइन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,